आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.1 हमने पिछले वीडियो क्लास में खत्म किया था। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास है, विच ऑफ द ड्राइविंग्स, हमारे पास ड्राइविंग्स मौजूद है ए बी सी डी, ए टू डी यानी ए से लेकर डी तक शो हमें दिखाता है 2 × 1/5 यानी हमारे पास फिगर दो है, दो फिगर में से उन दो फिगर को आपस उसको डिवाइड किया गया है पांच हिस्सों में से एक को शेड किया गया है यानी एक को रंग किया गया है। फिगर दो है, उन दो फिगर्स को पांच हिस्सों में डिवाइड किया गया है, पांच में से एक को रंग किया गया है या शेड किया गया है। दूसरा फिगर हमारे पास है, यहाँ पर भी हमारे पास दो फिगर है, उनको दो हिस्सों में डिवाइड किया गया यानी 1/2, लेकिन टू हिस्सों में से एक हिस्से को शेड किया गया या रंग किया गया है। यहाँ पर हमारे पास तीन फिगर्स हैं, तो तीन फिगर्स में से उन तीन फिगर्स को कितने हिस्सों में, तीन हिस्सों में डिवाइड किया गया है, लेकिन उन तीन हिस्सों में से दो हिस्सों को रंग किया गया है या ड्राइंग की गई है, शेडेड है। यहाँ पर भी हमारे पास तीन फिगर्स है, उनको चार हिस्सों में डिवाइड किया गया है, चार में से एक को शेडेड किया गया या रंग किया गया है, पेंट किया है। तो अब हमें ढूंढना है, तो आते हम पार्ट ए पे। तो अगर हम पार्ट ए पे आएंगे, पहले हम देखेंगे जिस तरह हमारे यहाँ पर दिखाया गया है, यहाँ पर किसी जगह टू फिगर्स है, यहाँ पर भी टू थ्री थ्री। तो यहाँ पर देखेंगे हम टोटल जो फिगर्स है हमारे पास कितने हैं, 1 2 3, पहले हमारे पास तीन है, ठीक है, ये आ गए हमारे पास तीन फिगर्स। अब हम इन फिगर्स को देखते हैं, इनको किया गया है डिवाइड में कितने में, तीन हिस्सों में, 1 2 3, लेकिन तीन हिस्सों में से दो को रंग किया गया है। हम यहां पर इस तरह लिखे, टोटल हिस्से कितने हैं, तीन, एक दो तीन, तीन में से दो को ये शेडेड है, दो शेडेड है, या इसको इस तरह भी हम कह सकते हैं उनको पेंट किया गया है, ठीक है, इस तरह है ये। अब आप इसको चेक करो ऊपर कहां पर है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये देखो आप पार्ट थर्ड है 3 × 2/3, तो हमारे पास आ गया 3 × 2/3, तो पार्ट थर्ड का आंसर है ए पार्ट, इसका हम लिखेंगे आंसर ए पार्ट, ठीक है, ये आ गया हमारा। अब हम आएंगे बी पार्ट पे, यहां पर भी हम फिगर देखेंगे, टोटल फिगर हमारे पास टू हैं, ठीक है, 1 2, इनको दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, लेकिन दो में से एक को रंग किया गया है, हम लिखेंगे 1/2, यानी हमारे पास दो फिगर है, उन दो फिगर्स को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है 1/2, ठीक है, दो हिस्सों में से एक को रंग किया गया है। अब आप ऊपर चेक करो ये हमें कहां आएगा, यहां फर्स्ट में भी नहीं है, सेकंड में है 2 × 1/2, तो ये जो बी पार्ट है ये पार्ट सेकंड का आंसर है बी पार्ट, ठीक है। अब हम आएंगे सी, तो यहां पर हम पहले देखेंगे टोटल फिगर्स कितने हैं, 1 2 3, बिल्कुल इन एक एक फिगर को कितने हिस्सों में डिवाइड किया गया है, 1 2 3 4, यहां पर हम 4 लिखेंगे, 4 में से कितने हिस्सों को रंग किया गया है, एक 1, ठीक है, तो 3 फिगर्स, टोटल 3 है, उन 3 फिगर्स को एक एक को चार हिस्सों में डिवाइड किया गया है, चार में से एक को रंग किया गया है, यहां शेडेड पोर्शन है। तो अब हम ऊपर देखेंगे, ये है पार्ट 4, 3 × 1/4, तो इसका आंसर है सी पार्ट। लास्ट पार्ट हमारा, टोटल फिगर्स 2 हमारे पास, इन फिगर्स को कितने हिस्सों में डिवाइड किया गया है, 1 2 3 1 2 3 4 5, पांच में से शेडेड कितने हैं, एक, 2 × 1/5, तो अगर आप ऊपर चेक करोगे क्वेश्चन में, तो पहला पार्ट फर्स्ट जो है वो इसे रिलेटेड है, यानी इसका आंसर डी है। तो बिल्कुल सिंपल वे में हमने इस क्वेश्चन का आंसर निकाला। तो अगले वीडियो क्लास में हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे, तब तक के लिए खुदा।